कंसेप्ट क्या है पोटेंशियल, कंसेप्ट क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, जब हम लोग किसको डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को, तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन टू ब्रिंग अ, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, टू अ गिवन पॉइंट। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर मेरे पास एक चार्ज है क्यू, और इस चार्ज क्यू की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज क्यू की क्या है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पी तक या एक पॉइंट एक्स तक अगर एक छोटे से टेस्ट चार्ज क्यू को लाना है, एक छोटे से टेस्ट चार्ज को, ये क्या है इन्फिनिटी, ये क्या है ठीक है ना, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से क्या करना है, एक छोटे से टेस्ट चार्ज क्यू को इस पॉइंट एक्स तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे, उस वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, एंड कैपिटल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, दैट इज वर्क डन, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो अगर बेसिक लेमैन की भाषा में बोले तो व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वन जूल अपॉन में 1 कूलम। ओके, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। इसलिए जब हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन करने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज from infinity to a given point, from infinity to a given point. जैसे पोटेंशियल होता है कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, पोटेंशियल कहां से कहां तक होता है, इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, वैसे ही पोटेंशियल का भाई होता है कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये भी वर्क डन ही होता है, ये भी क्या होता है वर्क डन ही होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, सॉरी फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू another point in an electric field, from one point to another point in an electric field. समझो, अगर infinity से यश के घर तक जाने के लिए मुझे 10 जूल वर्क करना पड़ा, और infinity से वंश के घर तक जाने के लिए मुझे 13 जूल वर्क करना पड़ा, तो अगर मुझे यश से वंश के घर पे जाना है तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, 3 जूल। तो मैंने क्या करा, यहाँ का जो वर्क डन था इन्फिनिटी से लेके यश तक का, और यहाँ का जो वर्क डन था इन्फिनिटी से वंश तक का, इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस। तो
वर्क डन ही क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू के आसपास, आप इन्फिनिटी से पॉइंट एक्स तक जाने के लिए अगर मुझे वी एक्स वर्क डन करना पड़ रहा है और इन्फिनिटी से वाई तक जाने के लिए मुझे कितना करना पड़ रहा है, वी वाई करना पड़ रहा है। तो अगर मुझे एक्स टू वाई जाना होगा, अगर मुझे एक्स टू वाई जाना होगा तो मैं क्या करूंगी, वी एक्स वाई, और वी एक्स वाई वुड बी, वी एक्स वाई वुड बी कितना, वी वाई माइनस वी एक्स, दैट इज वर्क डन टिल वाई माइनस वर्क डन टिल एक्स अपॉन में चार्ज क्यू। इज दैट क्लियर? एक्स वर्क डन टिल एक्स अपॉन में चार्ज क्यू। क्लियर है क्या? बोलो कोई परेशानी। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। चार्ज कितना दिया हुआ है, हमें चार्ज दिया हुआ है 20 कूलम्स। कितना दिया हुआ है, 20 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बेटा कैसे, 340 माइनस 220, तो 340 माइनस 220 कितना आ जाएगा, 120 वोल्ट, हाँ कि नहीं? और V इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो V कितना है, 120। वर्क डन हमको निकालना है और चार्ज कितना है, 20, तो इसको इधर पे भेज देंगे, तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, 120 इंटू 20 इक्वल टू कितना, 2400 जूल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, 100 जूल ऑफ वर्क डन, तो मुझे सेकेंड केस में वर्क डन कितना देकर रखा हुआ है, ऑलरेडी 100 जूल्स देकर रखा हुआ है, ठीक है ना? और चार्ज कितना दे के रखा हुआ है, 5 कूलम। तो बेचारे पोटेंशियल बोल रहे, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं, वर्क डन अपॉन में चार्ज ही होता है, दैट इज 100 अपॉन में कितना, 5, दैट कम्स टू कितना, 20 वोल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 220 वोल्ट टू 360, तो वी कितना आ जाएगा, 360 माइनस 220, दैट कम्स टू कितना, 140 वोल्ट, और वर्क डन कितना दिया हुआ है, 500 जूल। तो मुझे पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, पोटेंशियल कितना है, 140 इज इक्वल टू वर्क डन कितना है, 500 अपॉन में कितना क्यू, तो क्यू कितना आ जाएगा, 500 अपॉन में 140 कूलम, कितना, 0.8 कूलम। मेरे को भी लग रहा है 0.8, फोर्टीन थ्री सार 42, 14 4 सार, अरे बंदी कर दिया व्हाइट बोर्ड पे मैंने गलती से, मीटिंग खत्म हो रही है तो नहीं मत ज्वाइन करना, क्लास बस खत्म ही कर रही हूँ। नहीं गलत आ रहा है ये तो, उससे भी कम आ रहा है। नहीं तो फिर जो तू देख, ये जो है ना, तूने हमें बस कैलकुलेशन एरर करी।